आज सर ने छुट्टी की है तबीयत खराब होने की वजह से, और कल सर ने पूरी छुट्टी करनी है, मुकम्मल छुट्टी। यानी आज तो सर ने ना कॉलेज में क्लास ना ली, कल सर ने मुकम्मल ऑफ लेना है। मुझे मंजूर है, लेकिन देखिए आपके लिए कैसे लेके आए, चाय भी नहीं मिलनी आपको। चल बस कर दे, खुदा दा वास्ते हर बंदे ना दस के आहो। लो जी, काका साहब ने भी जैन के पास ना ऐसे ही जाना था, वरना ये जैन आता है और ये रोने लग पड़ता है। जैन का मुंह देख के हर बच्चा रोता है। जैन क्यों ऐसे क्यों है मुंह दिखा? दोनों लेट गए, दोनों दोनों बाप बेटा लेटे हैं ना। किसको ज्यादा सर्दी लग रही है? मम्मा माश फिश। गर्मा गर्म नान चने आ चुके हैं और काका साहब, अमीर भाई और तकीर भाई खा रहे हैं और मैं भी खाने लगा हूँ। बड़े आला किस्म के गर्मा गर्म नान चने हैं। ये वही वाले चने हैं जी जो पप के चने जो हमने अक्सर कभी सुबह 6-7 बजे ख़त्म हो जाते हैं, ये वही चने हैं। तकीर भाई माशाल्लाह वाफर क्वान्टिटी में लेके हैं नान चने, तो बस खाते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं और इसी बात के साथ आज का व्लॉग भी शुरू करते हैं। सुबह तकरीबन 7 बज रहे हैं और व्लॉग शुरू हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। One eternity later. आज क्या मसला है? कुछ नहीं, क्या बना रहे हो? मैं दुनिया को दिखाना चाह रहा हूँ कि आप पढ़ते भी हैं। अब ब्रेक हुई थी 15 मिनट की जी, 2 घंटे की क्लास हुई है पहले और 2 घंटे की और हो रही है। पूछो क्यों बता? क्यों आज सर ने छुट्टी की है तबीयत खराब होने की वजह से, और कल सर ने पूरी छुट्टी करनी है, मुकम्मल छुट्टी। यानी आज तो सर ने ना कॉलेज में क्लास ना ली, कल सर ने मुकम्मल ऑफ लेना है। उन्होंने कहा भाई जान 2 लेक्चर्स फिर आपके कहना एक साथ हो कम्बाइन हो। उन्होंने 4 घंटे की क्लास, लोगों को यहाँ से सीखना चाहिए कि आप पढ़ते भी। मूविंग ऑन, आप नहीं बख्शा पर मैं आपको बख्श देता हूँ, लानत है आप। बहरहाल अभी 12 मिनट की और ब्रेक है, चाय का बोला बेगम साहब को, देखो चाय बना के देते हैं कि नहीं। आपको क्या लगता है मीरा भाई, मुझे बेगम चाय देगी कि नहीं देगी? ज़रा अभी बेगम नहीं मेरी, है ना, लेकिन तेरे लिए फिर भी नहीं लानी, मैं तकीर की लानी है, उससे चाय बनवा लूँगा। मैं आपके लिए कैसे लेके आऊँ, आप बस ये देखें। मैंने इसीलिए तेरे लिए लानी ही नहीं। मुझे मंजूर है, लेकिन देखिए आपके लिए कैसे लेके आऊँ, चाय भी नहीं मिलनी आपको। चल बस कर दे, खुदा दा वास्ते हर बंदे ना दस के आहो। चलो जी मिलते हैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह ताला। बस ये आप पढ़े, मैं भी बहन जा रहा हूँ। हाँ जी आप तो जा रहे हैं हसन भाई की तरफ। जी भाई चलो अल्लाह खैर करे। तकीर सुबह का चला गया भाई, तकीर सुबह का गया भाई, मैं मामा जी को लेके अब जाने लगा। अल्लाह खैर करे, ठीक है जाओ, तुम भी खैरियत से जाओ, मैं भी 2 घंटे की और क्लास भी भुगतनी है, तो भुगतते हैं फिर उसके बाद इंशाल्लाह फ्री हो। ठीक है, मैं वहाँ पर जाकर कुछ खा लूँ, आते मेरे लिए कुछ खाने के लिए जाना। मैं उनसे खाने जा रहा हूँ और आप मेरे मंगवाने। उनको ही कहना कि मुझे भी खाने के लिए कुछ भिजवा दे। डन हो गए। क्या आ गई? मैंने अभी 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 बंद किया और अभी भी आ गए। मुझे तेरे से काम है अमीर, ये क्लिप पेंट करके मुझे तेरे से काम है, मुझे तेरे से कुछ बात करनी है, बैठ मैं अमीर से ज़रा बात कर लूँ। 1 hour later। लो जी, काका साहब ने भी जैन के पास ना ऐसे ही जाना था, वरना ये जैन आता है और ये रोने लग पड़ता है। जैन का मुँह देख के हर बच्चा रोता है। जैन क्यों ऐसे क्यों है मुंह दिखा दे रहा भाई, लाख लाना था इस मुंह पे यार। वैसे तेरे मुंह को देखते 7 बच्चे रोना लग पड़ते हैं। कोई गल नहीं यार, दुनिया देखेगी तो बोलेगी वाह क्या मुंह है। वो क्या कहते हैं, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, इसके 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। ये देखो जी काका साहब सोए हैं और उसने पकड़ के झोली में बिठाया हुआ बिला वजह, और आपका भाई पड़े जा रहा है, पड़े जा रहा है, पड़े जा रहा है। 10 मिनट की जो एक छोटी सी ब्रेक और हमें उसके दरमियान में बेगम साहब ने खिचड़ी का किया है आज बेड़ा गरक, देख रहे हैं आप खिचड़ी टोटल जो है वो कलीदा मलीदा हो गई है। सॉरी मैं खाना खिला रही थी अंकल को, लेकिन मजेदार है, नमक थोड़ा तेज है। नहीं मैंने इसको थोड़ा और डाले। क्या चाट मसाला? मसाला थोड़ा सा तेज है, बाकी बड़ी मज़ेदार है। दही डालते हैं और खाते हैं, पेट में जाके भी तो भाई पानी के साथ इसका यही हाल होना है, तो पेट से पहले क्यों नहीं। बेगम को बचा रहा हूँ, क्या करें जरा आप लोग।
ठंडी जमीन पे लेटे हो मम्मा माज, ठंडी जमीन पे लेटे हो, मजा आ रहा है ठंडी जमीन पे लेटा हुआ मम्मा माज। हाँ जी वाह मम्मा माज को मजा आ रहा है ठंडी जमीन पे लेट के। एसी चलवाया जी मोहम्मद माज साहब ने अभी भी, मम्मा माज साहब को गर्मी लग रही है ना। नहीं 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 डॉग क्या करता है और एलिफेंट क्या करता है, हॉर्स क्या करता है, अच्छा और काऊ क्या करती है। अब वो हॉर्स है उल्लू, हॉर्स काऊ क्या करती है, काऊ एक हवा भी कर दो, एक हवा तो कर दो, फ्लाइंग किश कर दो, फ्लाइंग किश, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लाइन बनना जरा लाइन, अच्छा और टाइ और पिजन क्या करता है, पिजन का नहीं पता, कुकड़ू कुकड़ू कैसे करते हैं, कुकू कर दो कुकू कर दो, गन्ने दीदी दी नी नी तू गन्ना बीबी। हाँ जी मैं भी लेटूँ, मैं भी लेट जाऊँ, चलो जी मैं भी आ गया अपनी बेटी के पास। दोनों लेट गए, दोनों दोनों बाप बेटा लेटे हैं ना। किसको ज़्यादा सर्दी लग रही है, मम्मा माश फिश। अच्छा डॉगी कैसे करता है और लायन कैसे करता है, कैसे और ब्रेक डांस कैसे करते हैं, ब्रेक डांस कैसे करते हैं, और आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, मामा माँ। अच्छा, और डैड का पारा बेटा कौन है, मामा माँ। वो ना पा मम्मा माश। और एसी के नीचे कौन सोता है जी, एसी के नीचे कौन सोता है, बड़े तिकड़े पीर ने दो भाई, ना पारा आ रहा मेरे बेटे को मेरे ठीक जाएं। आउट क्लास। A few moments later. हाँ मैं बताओ कितनी रोटियां हमारे लेके आनी है, आपकी मेरी और बच्चों की, बस और कुछ उसके अलावा, पेप्सी नहीं देखने, पेप्सी भी नहीं है, बोतल भी नहीं है, इसको नहीं देनी, मेरे बेटे ने भी नहीं है। चलो मैं और काका साहब जा रहे हैं नान वगैरह रोटियां बनाने, हैदरी से रोग नहीं लेके आता हूँ, रोग नहीं लेके जा रहा हूँ। योजा भाई की बाइक लेके निकले यार, पेट्रोल खत्म, अब पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, पेट्रोल डलवाते हैं भाई जान, 100 रुपये का खुला डुला, मैं कहना वह इन्ना पेट्रोल होना चाहिए कि बाइक 300 किलोमीटर चले, ठीक है ना। हाँ जी बंदा तो पूछा ना करो, 100 कर दे, पेट्रोल दे ना तो मजाक ही होया जी, 100 पैसे दे दूँ जरा एक मिनट। दूसरा मसला है जोजी भाई के पिछले टायर की जो हवा है ना बाइक की, जोजी भाई की नहीं, जोजी भाई की बाइक की पिछले टायर की जो हवा है वो ना होने के बराबर है, तो अब हमें हवा भरवाने के लिए सामने साथ ही है, यहाँ से हम हवा भरवा लेते हैं, फिर हम वापस जाते हैं रोटियों वाली दुकान की तरफ। क्या हाल चाल है उस्ताद जी, ठीक है, पहचाने नहीं पहचाने, चंगी गल है, मैं तुम्हें पहचान लिया, हवा चेक कर दो, हवा भर दो, बस जूंदे रहो वसते रहो बाद भाईजान, एक ब्रोस्ट ये जो पर्ची पे लिखा हुआ है जितनी भी क्वांटिटी, क्वार्टर वाटर प्रो हाँ जी,
पर्ची है मैं आपको दे रहा हूँ, ये मैं पर्ची के लिए आपको बुला रहा हूँ, ये मेहरबानी सर। हमारा जो ब्रोस्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह पैक हो चुका है, और बाकी अब हमने अंदर से नान लेने हैं और एक बोतल ली है, वो बोतल पकड़नी है और उसके बाद सीधा घर नहीं, घर नहीं सीधा, रास्ते में से एक मेहमान आया, मैं उनके लिए आइसक्रीम लेने का आता है, उन्होंने आइसक्रीम का बोला उनके लिए आइसक्रीम लेने की इच्छा, अल्लाह खैर नहीं यार, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ भाई जान। देख रहे पसीना कैसे आया है। खैर एक क्वार्टर ब्रोस्ट, एक लीटर कोक और रोगनी नान लेके वापस घर पे आ गए, और घर पे हमारी ये सालन बना हुआ था आज, तो वही सालन के साथ थोड़ा सा खाएंगे। ब्रोस्ट तो है चस्के के लिए है, गर्मी से बहुत बुरा हाल है, खाना खा लूँ फिर, पहले पसीना सुखा लूँ फिर खाना खा लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह। अमीर भाई, तकीर भाई और माँ जी बताइए हैं, उनका भी वेट इंशाल्लाह होगा भी। A few minutes later. सुबह का मेरे से दो तीन मरतबा ये वाला काम हो चुका है, वीडियो बनाता हूँ लेकिन बनती आगे से तस्वीर है, इसलिए भाई साहब मैं पहले मैंने कैमरा चेक किया है, एक मरतबा मेरे साथ क्या हुआ है कि 1x पे बन गई वीडियो, दोबारा से क्लिप बनाना पड़ गया सारा, इसलिए भाई साहब मैंने सारी सेटिंग पहले चेक की है, उसके बाद मैंने ना अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, और मेरे पास तकीर भाई, मीर भाई, माँ जी भी आ चुके हैं घर पर अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आज के ब्लॉग का इख्तिताम करने का वक्त हो चुका है, तो इसलिए आज का ब्लॉग करते हैं इख्तिताम। इस दुआ और उम्मीद करते हैं आप लोग दिन खैरियत से गुजरा होगा, मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा, बशर्ते जिंदगी कल लाजमी मुलाकात होगी किसी नई जगह, किसी नए मुकाम पर, किसी नए काम के सिलसिले में। अपनों को अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मेरी दुआओं में याद रखें, तो फतना दी इतना की तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलें, अल्लाह हाफिज़ और रात नहीं दिखा सकता।